नमस्कार 25 लगातार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के बोकारो के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के नरा पंचायत के तुरी टोला में बीती रात्रि 1 बजे बच्चा चोर को पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की गई। चोर का नाम शमसुद्दीन अंसारी बताया जाता है, जो महुदा का रहने वाला है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब की तस्करी और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगता नहीं दिख रहा है। शराब के अवैध कारोबारी चोरी छुपे शराब की कारोबार में जुटे हैं और पुलिस मौन बैठी है। ताजा मामला नावानगर थाना क्षेत्र के बसदेवा ओपी अंतर्गत बसदेवा बिंद टोली की है, जहां अवैध रूप से शराब छिपा कर रखे जगह पर हमला बोल दिया और शराब की बोतलें जब्त कर ली। महिलाओं की इस अचानक कार्रवाई से शराब छुपा कर रखे लोग भड़क गए और महिलाओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। जहानाबाद में बीती रात असामाजिक तत्वों ने जहानाबाद लोजपा जिलाध्यक्ष हेमंत शरण उर्फ कुंदन शर्मा के खड़ी गाड़ी में तोड़फोड़ कर गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं रात में तैनात गार्ड को भी बंधक बनाकर लाठी डंडे से मारपीट की, जिससे गार्ड प्रेमा बहादुर को गंभीर चोटें आई है। गया जिले के अतिरिक्त थाना क्षेत्र के चहलगांव में ऑनर किलिंग के मामले में एक लड़की की हत्या कर परिजनों ने जलाने की कोशिश की। खबर मिली कि एक युवती के लाश को कुछ लोग जलाने जा रहे हैं, तभी वहां अतिरिक्त थाना के पुलिस पहुंचकर जल रहे शव को बुझाया और उसे अपने कब्जे में लेकर गया के मगध मेडिकल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गया राज्य और केंद्र दोनों मिलकर करेंगे विकास। कई चीजों की है भारी कमी। पार्किंग, 5-स्टार होटल बेहद जरूरी। शराब लोकल मुद्दा। गया बोध गया विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में कल रात्रि पूजा करने पहुंचे केंद्रीय उड्डयन मंत्री। मंत्री गणपति राजू गया में पिंडदान करने के बाद कई जगहों पर जाकर भगवान स्थलों के दर्शन किए। विष्णुपद अक्षयवट दर्शन करने रात्रि में बोध गया महाबोधि मंदिर में पूजा करने के बाद उन जगहों पर भी गए जहाँ भगवान बुद्ध ने साधना तप किए थे। जहानाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जहानाबाद सांसद अरुण कुमार ने आज जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम के कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से उन्हें 5,000 के निजी मुचलके पर बेल मिल गई। गौरतलब है कि सन 2015 में चुनाव के दरमियान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का एक जाति का पक्ष लेते हुए कलेजा तोड़ देने की बात कही थी। झारखंड निर्माणाधीन रेलवे पुल धराशायी होने से कार्य में लगे दर्जनाधिक मजदूर घायल हो गए हैं। मामला झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत बालूमाथ थाना क्षेत्र का है, जहां टोरी शिवपुर रेल लाइन में निर्माणाधीन ब्रिज नंबर 12540 को गिरने से कार्य में लगे दर्जन भर से अधिक मजदूर दबकर घायल हो गए। घटना बीती देर रात की है, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल मजदूर को बालूमाथ अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर एक मजदूर को रांची रिम्स रेफर कर दिया। इस घटना के बावजूद रेलवे का कोई भी कर्मचारी घटनास्थल पर नहीं गया। छत्तीसगढ़ के महत्वाकांक्षी योजना लोक सुराज अभियान का पहला समाधान शिविर आज रायगढ़ जिले के सबसे बड़े तहसील सारंगढ़ जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत अचानकपाली में आयोजित किया गया। ग्रामीण अंचलों और शहरी क्षेत्रों के जनताओं की मूलभूत और उनके अन्य समस्याओं के निवारण का पहला चरण 26 से 28 फरवरी को समस्त परिषद और जनपद पंचायतों में समाधान पेटी से आवेदन संकलन किया गया। छत्तीसगढ़ जांजगीर जिले के चापा थाना क्षेत्र के कुसमंता गांव में रेलवे केबिन के पास एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस की जांच में युवक की हत्या गला दबाकर करने के बाद सामने आई है। युवक की पहचान कुसमंता गांव के हरिहर कश्यप के रूप में हुई है। नालंदा जिले में रामनवमी पूजा व दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी कुमार आशीष ने बिहार शरीफ सहित जिले के सभी जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। इस दौरान एसपी कुमार आशीष ने बिहार शरीफ के खासगंज कटरा पर बनौलिया गगन दीवान छज्जू मोहल्ला सलूगंज बड़ी दरगाह सहित कई इलाकों में जाकर दोनों समुदायों के बीच बैठक की। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुसौर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में पेयजल की गंभीर समस्या का सामना ग्रामीणों को इन दिनों करना पड़ रहा है। इस विशाल समस्या को देखते हुए भी शासन प्रशासन को ग्रामीणों के प्रति जरा सभी तरह से नहीं आ रही है। झारखंड में सड़क किनारे शराब बिक्री पर रोक के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुमका के राष्ट्रीय और राज्य मार्गों से हटाई गई करीब 43 शराब की दुकानें बंद हो जाने के बाद अब इन दुकानों को कहीं और शिफ्ट करने को लेकर जुटे शराब माफियाओं को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही वाक्य सोमवार की शाम दुमका में देखने को मिला। यहाँ महिलाओं ने सीएम के काफिला को ही रुकवा दिया। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने लिट्टीपाड़ा इस उपचुनाव में ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से वोट कराने की मांग की है। दुमका के खिजुरिया स्थित आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है। यूपी चुनाव में प्रयोग किए गए ईवीएम को यहां लाया गया है। हेमंत ने कहा कि अगर ईवीएम का प्रयोग किया जाता है तो पहले उसकी जाँच होनी चाहिए, साथ ही प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा 25 वोटों का मॉक पोल कराया जाना चाहिए।
झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत चंदवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TPC2 के एक सक्रिय सदस्य सकेंद्र उराव उर्फ गिलहरी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली बालूमा थाना के सुइया टोला झाबर का रहने वाला है। गिरफ्तार उग्रवादी सकेंद्र उराव उर्फ गिलहरी हालिया दिनों में चर्चित झालो ठाकुर अपहरण कांड का मुख्य सरगना भी रह चुका था। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थल गांव का बस स्टैंड किसी जंक्शन से कम नहीं है। सैकड़ों गाड़ियां यहां से होकर गुजरती हैं, लेकिन बस स्टैंड में सुविधा की बात करें तो सब कुछ जीरो है। खासकर इस भीषण गर्मी में यात्री पानी की एक बूंद के लिए मोहताज हैं। प्यास बुझाने के लिए लोग 10 रुपए के पानी बॉटल को 20 रुपए में खरीद रहे हैं। राजनगरी आगरा में सपा के पूर्व लोक सेवा आयोग के चेयरमैन पर सटीक बैठती है। दरअसल सूबे की सबसे दबंग पार्टी कहे जाने वाली समाजवादी पार्टी के पूर्व लोक सेवा आयोग के अनिल यादव ने अपनी सत्ता में पड़ोसियों का निकलना दुश्वार कर दिया। अपने मकान के सामने से निकलने वाला रास्ता बैरियर से रोक दिया। तेज रफ्तार यात्री बस और टैंकर के आमने सामने भिड़ंत होने से लगभग आधा दर्जन यात्री जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पत्थल गांव के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। गुजरात में गर्भवती बेटी को मार मार कर घर से बाहर निकाल देने वाले दामाद को ससुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर सरेआम खूब पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ससुर और उसके साथी दामाद को लाठी से बुरी तरह से मार रहे हैं। दामाद गिड़गिड़ा रहा है, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार के गया में विष्णु नगरी में फल्गु नदी के तट पर भगवान विष्णु का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। देश विदेश से हिंदू धर्मावलंबियों का आना जाना लगा रहता है। मगध की जीवन रेखा और पिंडदानियों के लिए पवित्र फल्गु नदी का जलस्तर गर्मी की शुरुआत में ही बहुत नीचे चला जाता है, जिसके कारण इस नदी के दोनों किनारों में बसे लोगों के साथ साथ पिंडदान करने आए तीर्थयात्रियों को फल्गु जल के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जामताड़ा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कर्माटान थाना क्षेत्र के घोसबाद गांव से साइबर अपराध करने वाले पिता पुत्र के गिरोह को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान साइबर के मामले में मैनेजर अंसारी समेत उनके तीनों बेटे सरफराज अंसारी, समीम अंसारी एवं इम्ताज अंसारी को गिरफ्तार किया। आगरा के थाना इत्मादौला रोड पर शराब के ठेकों को लेकर महिलाओं ने किया रोड जाम। वह शराब के ठेका मालिक के गुर्गों ने जाम लगा रही महिलाओं को जमकर पीटा। मौके पर पहुंची थाना इत्मादौला पुलिस बनी रही मुखदर्शक, महिलाओं को पीटता हुआ देखती रही। यूपी के श्रावस्ती जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर भिंगा के रेंजर संजय सिंह की गाड़ी से 10 लाख रुपए बरामद किए हैं। बताया जाता है कि रेंजर संजय सिंह अपने घर जा रहे थे, तभी पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने इनकी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 10 लाख रुपए बरामद हुए। श्रावस्ती जिले के वन विभाग के भिंगा रेंज के रेंजर संजय सिंह कल शाम लखनऊ जा रहे थे। जहानाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जहानाबाद सांसद अरुण कुमार ने आज जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में SEJM के कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से उन्हें 5,000 के निजी मुचलके पर बेल मिल गई। गौरतलब है कि सन 2015 में चुनाव के दरमियान उन्होंने CM नीतीश कुमार का एक जाति का पक्ष लेते हुए कलेजा तोड़ देने की बात कही थी। नवरात्र के नवमी के दिन शहर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। गया शहर का मंगला गौरी मंदिर पालन पीठ के रूप में प्रख्यात है। माता सती का वक्ष स्थल इस मंदिर में गिरा था, इसलिए इसे पालन पीठ कहते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के बगल में वर्षों पुराना राम जानकी मंदिर है, जहाँ श्रद्धालु नवरात्र का पाठ कर रहे हैं। थाना छत्ता इलाके से मोतीगंज के पास खड़े ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। इस आग से पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। बीच सड़क पर खड़े इस ट्रक में भीषण आग से लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। ट्रक ड्राइवर भी अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। ट्रक ड्राइवर और पीछे चल रहे ट्रक लेकर ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ये ट्रक फिरोजाबाद से आगरा जगदम्बर ट्रेवल्स आया था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहें INI News के साथ। नमस्कार।